झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, जानेंगे इस कारोबारी सप्ताह कृषि फसलों में क्या रुझान देखने मिलेगा। तो हमने देखा कि काफ़ी सारी कृषि फसलों में रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे, चाहे वो M6 कॉटन हो या फिर जीरा हो या धनिया हो, हमने काफ़ी बढ़िया रैली जाते हुए देखी। तो इसके बाद क्या रूप देखने मिलेगा, इसकी चर्चा करते हैं। शुरुआत मसाला कॉम्प्लेक्स से करते हैं, जहाँ पर हमने सबसे बड़ा मूव आते हुए देखा है। हमने देखा कि धनिया ने 13,000 के ऊपर के भाव दिखाए, वहीं जीरे ने भी 23,000 के ऊपर के भाव दिखाए। तो आगे क्या रुख रहेगा धनिया में, इसकी बात करेंगे। शॉर्ट टर्म बेसिस ऐसा लगता है कि एक करेक्शन हमें धनिया में देखने मिल सकती है, जहाँ पर जो मई वायदा है वहाँ पर 11,800 से 12,000 तक के भी लेवल देखने मिलेंगे। यानी आने वाले कुछ दिनों में हमें एक करेक्शन का रुझान देखने मिलेगा। लेकिन अगर हम लंबी अवधि की बात करें तो मुझे लगता है कि 14,000 से 14,300 तक के लेवल अभी भी देखने मिल सकते हैं, यानी एक नया लाइफ टाइम हाई धनिया में देखने मिलेगा। वहीं पर जीरे की भी अगर बात करें तो हालांकि हमने पिछले हाइज जो 10 से 12 साल पहले बने थे उसे निकाल दिया है, लेकिन उसके बाद भी जो तेज़ी है वो बरकरार रहने की उम्मीद है। वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस एक करेक्शन हमें देखने मिल सकती है, जहां पर मई वायदा में 22,200 से 22,100 तक के करेक्शन हमें देखने मिलेंगे। लेकिन वहां से मैं रिकमेंड करूंगा कि दोबारा तेज़ी की जा सकती है, क्योंकि अब भी पोजिशनल बेसिस पे मेरा मानना है कि 23,700 से 24,000 तक के दाम हमें जीरे में देखने मिलेंगे। वहीं हल्दी की भी बात करें तो हमें हल्दी में तेज़ी देखने मिली थी, हालांकि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 10,000 के स्तर को छूकर एक करेक्शन देखने मिली है। आने वाले हफ्ते में ये करेक्शन थोड़ी और गहरा सकती है, जहां पर प्राइस जो है 9,300 तक करेक्ट कर जाए, लेकिन उसके बाद दोबारा तेज़ी पकड़ेगा बाज़ार, ऐसा मेरा मानना है। और अपसाइड में 10,300 से लेके 10,900 तक के पोजिशनल टारगेट्स लिए जा सकते हैं। तो सभी काउंटर्स में जहाँ तक मसाला कॉम्प्लेक्स का सवाल है, एक करेक्शन और उसके बाद में लंबी तेज़ी की शुरुआत देखने मिल सकती है। वहीं पर अगर मैं M6 कॉटन की बात करूँ, जिसने भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, तो हमने देखा कि पिछले हफ्ते में लगभग 41,500 से 43,500 तक के स्तर बाज़ार ने छुए हैं, और उसके बाद आखिरी कारोबारी दिन पिछले हफ्ते की एक करेक्शन देखने मिली है। वंस अगेन यहाँ पर भी जो करेक्शन है थोड़ी और गहरा सकती है, जहाँ पर दाम जो है 42,800 दिखा सकता है, या हो सकता है वर्स्ट केस में 42,700 तक भी दिखा दे। लेकिन पोजिशनल बेसिस पे अब भी 45,000 तक के स्तर यहाँ पर भी देखने मिलेंगे। इसलिए जो बहुत ही छोटी अवधि के या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो मुनाफा वसूली कर सकते हैं, और दोबारा जो पोजिशन है वो 42,500 के करीब बना सकते हैं। वहीं पर कोकोड में या बिनौला खल में हमने देखा है कि एक साइडवे सा या एक दायरे में जो रुझान है वो जारी है, और हालांकि हमने पिछले हफ्ते या उसके पहले 3,300 के ऊपर के स्तर भी देखे थे, लेकिन उसके बाद लगातार मुनाफा वसूली के कारण 3,100 के करीब की क्लोजिंग मिली है मई वायदा में। ऐसा लगता है कि ये करेक्शन थोड़ी और एक्सटेंड होगी, जहाँ पर दाम दोबारा 3,030 से 3,020 तक दिखाई देंगे, यानी करंट लेवल से करीबन 1.5 से 2% की नरमी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर जो मेजर ट्रेंड है मेरे हिसाब से अब भी तेज़ी का है, इसलिए उस डिप को दोबारा यूटिलाइज़ किया जा सकता है बैंक के लिए। छोटी अवधि में जो लक्ष्य है वो 3,250 का लिया जा सकता है, और लंबी अवधि में ऐसा मेरा मानना है कि 3,500 का लक्ष्य अब भी हासिल हो सकता है। वहीं पर कैस्टर की बात करें तो कैस्टर में काफ़ी हद तक जो एक व्यू था 7,700 से 7,600 का, वो उसने डन करने में कामयाबी दिखाई है। उसके बाद एक करेक्शन का रुख हमें देखने मिला यहाँ पर भी, और ऐसा लगता है कि अब ये करेक्शन थोड़ी और गहराएगी, जहाँ पर दाम जो है 6,700 तक आ सकते हैं मई वायदा में। तो अगले हफ्ते और उसके बाद भी एक हफ्ते तक मुझे लगता है कि करेक्शन जो है वो जारी रहेगी, और 6,700 तक के लेवल देखने मिलेंगे। निवेश करने के लिए वहाँ पर एक अच्छा मौका मिलेगा, लेकिन अगले दो हफ्तों तक एक करेक्शन का रुझान कैस्टर सीड में हमें देखने मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है।
वहीं पर ग्वार कॉम्प्लेक्स में भी हमने बढ़िया और शानदार तेज़ी आते हुए देखी है। तो जो व्यू था लंबी तेज़ी का वो हमने पैन आउट होते हुए देखा। जहाँ तक ग्वार गम का सवाल है, हमने 13,000 के ऊपर के स्तर देखे नियर मंथ में, और उसके बाद हम अगर ग्वार सीड की भी बात करें तो वहाँ पर भी करीबन 6,700 के ऊपर के स्तर दिखे। और इसके साथ ही जो इमीडिएट लक्ष्य की हमारी बात हुई थी पिछले हफ्ते, वो हासिल हुए हैं। उसके बाद एक करेक्शन भी दी है प्राइजेस ने। ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्ते में ये करेक्शन थोड़ी और गहराएगी, जिस प्रकार मैंने दूसरी बाकी की एग्री कमोडिटीज़ की बात की थी कि एक करेक्शन आ सकती है, वही चीज़ ग्वार सीड और ग्वार गम में भी हमें देखने मिलेगी। और हो सकता है कि शुरुआती दिनों में हमें 12,100 तक के स्तर ग्वार गम में, और जहाँ तक ग्वार सीड का सवाल है उसमें हमें करीबन 6,200 से 6,180 तक के भी लेवल मिले। इसलिए बिकवाली करके चलना फ़ायदेमंद होगा छोटी अवधि में। लेकिन वहीं अगर मैं लंबे समय के लिए बात करूँ तो लंबी अवधि में अब भी मेरा मानना है कि 6,800 के ऊपर के लेवल हमें ग्वार सीड में देखने मिल सकते हैं, और ग्वार गम में लगभग 14,000 के स्तर हमें आने वाले 2 से 3 हफ्तों में देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं रुख देखूं तो सारे ही एग्री कमोडिटीज़ में कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स का है, लेकिन इमीडिएट तौर पर सारे काउंटर्स जो हैं वो एक करेक्शन की तरह इशारा कर रहे हैं। तो सिंपल रणनीति अपना सकते हैं, यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी है यही रहनी चाहिए कि जिन्होंने बाय किया था एक बार मुनाफा वसूली कर लें, और जब सपोर्ट के स्तर जो बताए गए हैं, सपोर्ट लेवल बताए गए हैं, वो आ जाए तो वहाँ पर दोबारा तेज़ी की जा सकती है। एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमने अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में फिर से सोयाबीन में या CPO में बाज़ार को तेज़ी पकड़ते हुए देखा है। तो सोयाबीन में मेरा मानना है कि 8,100 के सर हमें आने वाले हफ्ते में देखने मिलेंगे, और पोजिशनली 8,400 तक प्राइसेस जा सकती हैं। वहीं पर CPO में भी हमें करंट लेवल से करीबन 2 से 2.5% की तेज़ी दिखाई देगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये था एक ब्यौरा कि आने वाले कुछ सेशंस में शॉर्ट टू मीडियम टर्म हमें मेजर एग्री कमोडिटीज़ में क्या रुख देखने मिलेगा। धन्यवाद।